Hi guys, in this video we are going to see the team prediction for tomorrow's match, that's Chennai Super Kings versus Kings 11 Punjab. So let's start, but first we will see the match information. So it's match 53, venue is Dubai International Cricket Stadium and the pitch is suitable for spinners and is more difficult for batsmen. ये जो पिच है ना दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का, ये स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छा है और बैट्समैन के लिए ज़रा हार्ड जा सकता है, डिफ़िकल्ट जा सकता है बैटिंग करने के लिए. तो अब देख लेते हैं हमारी टीम. तो गाइस पहले हम विकेट कीपर्स चूज़ कर लेते हैं. पहले हम केएल राहुल को ले लेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं उनके फैंटेसी पॉइंट्स 52, 44, 43, 25, 90. वो इस साल आईपीएल में बहुत अच्छे फॉर्म में है और ऑरेंज कैप भी वही होल्ड कर रहे हैं. तो पहले केएल राहुल को लेंगे, फिर निकोलस पुरन को लेंगे और फिर एमएस धोनी को लेंगे. फिर जाते हैं बैट्समैन्स लिस्ट में. बैट्समैन्स लिस्ट में आपको पहले फैफ डुप्लेसिस को लेना है, फिर शेन वॉटसन को लेना है. अशेन वॉटसन अभी फिट है इसलिए मैं उनको ले रहा हूँ. और फिर क्रिस गेल को लेना है और अंबाती रायडू को लेना है. अगर शेन वॉटसन नहीं खेलते तो आपको आपको बॉलर्स में चेंज करना होगा. अब फिलहाल तो वही ठीक है. अब ऑलराउंडर्स में देख लेते हैं. रविंद्र जडेजा है, सैम करन है, तो उन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं. और यहाँ पे फिर इधर बैट्समैन बॉलर्स लिस्ट में तीन बॉलर्स चूज करते हैं, दीपक चहर, मोहम्मद शमी. तो इन दो बॉलर्स को आपको चूज कर लेना है. तो अभी मेरी टीम 11 हो गई है. तो अब नेक्स्ट पर दबाएंगे. आपको कुछ अगर एडिटिंग या चेंजेस करना हो टीम में तो आप वो भी कर सकते हैं. तो अब मैं कैप्टन तो केएल राहुल को कर दूंगा और फिर फैफ डुप्लेसिस को वाइस कैप्टन कर दूंगा. पूरी जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. और हमारे फाइनल टीम प्रेडिक्शन का वीडियो भी यूट्यूब पे देख लीजिए जो कि मैं कल अपलोड करने जा रहा हूँ. सो यहाँ पे सेव कर देंगे. हो गई सेव. आपको मैं अपनी टीम एक बार दिखा देता हूँ प्रीव्यू करके. देखिए एमएस धोनी है, निकोलस पुरन है, केएल राहुल है एज अ कैप्टन, बैट्समैन्स लिस्ट में फैफ डुप्लेसिस है एज अ वाइस कैप्टन, फिर रायडू है अंबाती रायडू, शेन वॉटसन है, क्रिस गेल है, फिर ऑलराउंडर्स लिस्ट में सैम करन है, रविंद्र जडेजा है, फिर बॉलर्स लिस्ट में दीपक चहर है, मोहम्मद शमी है. तो यह आपको टीम ऐसे बनानी है. तो भाई गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा. थैंक यू.